हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद करता अच्छे होंगे। दोस्तों आज का हमारा जो कंटेंट है वो है शराब के ऊपर, कि शराब सेहत के लिए हानिकारक तो होती है, शराब के क्या क्या घाटे होते हैं, शराब के कारण कितने परिवार टूट जाते हैं और शराब के कारण इंसान को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सो गाइस, मैं सब कुछ दिखेगा आपको इस वीक कंटेंट में। सो यदि उससे पहले आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना। सो गाइस, चलते हैं, ज़्यादा देरी ना करते और चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओए होए, आज का काम तो बहुत पेंडिंग पड़ा है। और ये एक तो ये जॉब में इतनी लेट आते हैं, ऊपर से इनको सैलरी इनकी बढ़ा दो और आते ये टाइम से नहीं है यहाँ पे। आन दो आज इसकी क्लास लगाता हूँ। बहुत दिन हो गए, बड़े दिनों से लेट लेट आ रहे हैं, काम करके नहीं जाते और इनको छुट्टी चाहिए महीने महीने। आन दो इनको आज। हाँ तो ये खड़ूस पास बॉस मुझे जीने देगा, बोलेगा पक्का। आज पहले लेट हो गया हूँ मैं और अब तो मेरी क्लास लगाएगा ये, आज नहीं जीने देगा मेरे को ये खड़ूस बॉस मेरा। मैं आई कम इन सर। आइए 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 गुरुजी, आइए, आरती उतारू मैं आपकी। बहुत जल्दी आ गए आप। मैंने आपको कितनी बार बोला है, आप 3 या 4 दिन से लगातार लेट आ रहे हो। कुछ रूल्स है कंपनी के, आप ना कुछ भी फॉलो नहीं करते, कोई रूल भी, अपनी मर्जी से आते हो, अपनी मर्जी से जाते हो और ना काम करते हो। अगर इस कंपनी का मेंबर बना रहना है ना तो ढंग से काम करो, ठीक है? मजाक लगा रखा अपनी कंपनी का और आपके कारण डेली का डेली नुकसान हो रहा है मेरी कंपनी को। मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी का कोई नाम खराब हो आपकी वजह से। अगर आज के बाद आप लेट आए तो हमेशा के लिए घर बैठ जाए, ठीक है? अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो, आके काम करो यहाँ पर। मतलब परेशान हो गया, जॉब जॉब से सारा दिमाग खराब कर रखा है बॉस का। जी रहता नहीं देता साला, लेट हो गए तो क्या हो गया, मरा जा रहा है? जीने नहीं देता, दिमाग खराब कर दिया बॉस साला ने, दिमाग खराब कर दिया इसने आज, दिमाग खराब मेरा बॉस ने साले ने। क्या करूँ, अब पीने का प्लान बनाता हूँ। हेलो हाँ भाई, कहाँ है? अरे बाहर क्या कर रहा है, अंदर आ जा, पियेंगे आज। हाँ आजा आजा, अरे आजा, दिक्कत मत ले, आज मैं पिलाऊंगा, आजा आजा आजा। हाँ यही हूँ, बाहर आ गया आ गया। ओए होए भाई, ओए होए, आजा भाई आजा, आज तो पूरा मूड लग रहा है। क्या होए, क्या बात, आज तो पूरी रौनक बना रखी। हाँ भाई, आज तो पूरा मूड है, आज बैठ बैठ। हाँ यार, आज तो पूरा मूड है, ला आज पीते हैं, ला आज तो। अरे मजे ले यार, अरे दिमाग सही हो जाता है यार थोड़ा पी के। पीते यार दवा के लिए, पी थोड़ा थोड़ा डाल देता हूँ मैं, पी पी। रुक जा, मैं उसको फोन मार देता हूँ अगर वो भी आता हो तो। इसका फोन आ रहा है, इसका फोन आ रहा है। हेलो, हाँ भाई गली हो तो भाई, वो छोटी सी पार्टी है, आजा यार वैसी थोड़ा सा। हाँ थोड़ा पार्टी सी, आजा। हाँ आजा आजा, हाँ घर ही हूँ, आजा आजा। पूरा मैं पार्टी शार्टी कर रहा क्या आज? अच्छा अच्छा, कहाँ घर ही है, घर ही हूँ। अच्छा चला आ गया, मैं आता हूँ आता हूँ। हाँ बस 5 मिनट में आ गया आ गया। झूठ बोल दिया मैंने उसे, हम दारू पिएंगे, पिएगा तो पिला देंगे उसको जबरदस्ती दारू। आन तो दे उसको, ले इतना था 2 पैक ले ले भाई, पिला पिला। यार भाई तूने उसको झूठ क्यों बोल रहा यार, यार वो तो पता तो दारू पीता नहीं है यार वो। चल आन दे, देखते हैं अपन पिए। ओए ओए भाइयो भाइयो, क्या हाल चाल? ओ तेरी याद तो महफिल बन रही तुम्हारी, क्या बात। अरे पी ले थोड़ी सी। नहीं भाई नहीं, तुझे पता है यार मैं दारू नहीं पीता, थोड़ी सी पी ले यार, भाई के लिए पी ले यार, क्यों जबरदस्ती कर रहा है यार। यार अगर मुझे पता होता ना तुम दोनों यार दारू पी रहे हो,
तुम दोनों की यहाँ दारू की पार्टी है, तुम्हें यहाँ कभी नहीं आता यार यहाँ। अरे दोस्त के लिए पी ले थोड़ी सी पी ले यार, मुझे पता तू नहीं पीता यार, थोड़ी बहुत तो पी ले। अरे यार दारू पीने से दिमाग सही रहता है, दारू तो मर्द की पहचान होती है, पी ले यार थोड़ी सी तो पी ले। तुझे पता है ना मुझे दारू बिल्कुल ही पसंद नहीं है यार, तूने बोला था पार्टी है और तुझे पता है मैं दारू नहीं पीता, फिर भी तूने ये सब कर लिया यार। क्या यार तुझे मैं क्या बोल लूँ यार। अच्छा तेरा मतलब कहने का यह है ये दारू मर्द की पहचान होती है, है? तो, हाँ तो भाई तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। हाँ भाई बता, तू ही बता दे। क्या भाई समझा, तू ही समझा दे यार। सुनो ये जहर है, दारू नहीं है, ठीक है? और जिसे तुम बोलते ना ये मर्द की पहचान होती है, मर्द की पहचान दारू नहीं, मर्द की पहचान उसकी इज्जत होती है। और क्या बढ़िया था गुरु। और भाई एक बात आप तुम बताओ यार, तेरी पत्नी तेरे बच्चे हैं तेरे साथ क्यों नहीं रहते? इसलिए तो नहीं रहते क्योंकि तू दारू पीता है। क्या करूँ, नहीं छूटती मेरे से यार। भाई अपनी जिंदगी खराब मत कर, दारू पीने से टेंथर ख़त्म नहीं होती, दारू पीने से इंसान ख़त्म हो जाता है, टेंथर कभी ख़त्म नहीं होती। और मुझे एक बात बता, दारू पीने से किसका घर बसा है? कोई एक एग्जांपल दे दे जिसका घर बसा हो, जो खुश हो दारू पीने से। भाई ये सेहत के लिए हानिकारक होती है, ऐसे नहीं लिखा होता उसके ऊपर। भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ छोड़ दो दारू, कुछ नहीं रखा दारू में। भाई जिंदगी की असली दारू तो यही है, इसे छोड़ दे तेरी जिंदगी सुधर जाएगी मेरे भाई। यार एक बात तू मुझे बता, कल को तेरा बच्चा बड़ा होएगा, स्कूल में जाएगा, हैं? तेरे बच्चों को यहाँ से बोलेगा तू शराबी का लड़का है, तो तू ही बता तुझे कैसा फील होएगा यार, बता। तुझे अच्छा लगेगा कोई तुझे शराबी बोल ले, तू रो, बता। तुझे कोई शराबी बोल ले और तेरे लड़के को यहाँ से बोले तो शराबी का बाप जा रहा, शराबी का बाप जा रहा, ये तो शराबी की पत्नी जा रही है, शराबी की पत्नी जा रही, सुन लेगा तू? भाई भाई ऐसी संगति मत कर जो दारू पीते हो। भाई संगति अच्छी रख ले, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। दारू पीने से कोई आज तक बड़ा इंसान नहीं बना है भाई मेरे, छोड़ दे दारू। भाई एक बार तू दारू छोड़ के देख, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। अगर नहीं सुधरी तू मेरे मार दियो आगे, बस एक बार छोड़ के तो देख दारू। भाई इंसान दारू छोड़ सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है, दारू छोड़ सक भाई, छोड़ दे भाई दारू, छोड़ दे, मैं तेरे से रिक्वेस्ट करता हूँ छोड़ दे दारू। यार मुझे टेंशन हो जाती है इसलिए मैं पी लेता हूँ, दारू पीने से टेंशन ख़त्म सी हो जाती है ऐसा लगता है यार। यार तेरी बात भी सही है, मेरे बच्चे बीवी इसलिए मेरे साथ नहीं रहते यार। यार तेरे कहने में मैं एक दिन ट्राई कर लेता हूँ, बाकी मुझे नहीं लगता यार मुझसे छूटेगी यार। हाँ भाई तेरे कहने में मैं एक बार ट्राई कर लूँगा पक्का यार। यार दिमाग ख़राब हो गया यार, आज भी काम करके दे दिया, आज सर वो खुश होएंगे नहीं होएंगे पता नहीं यार, दिमाग ख़राब हो रहा है यार। दारू पीता यार आता यार, एक बार सर को फ़ोन करके पूछ लेता हूँ सर को। सर का ही कॉल आ गया, अब देखता हूँ यार इनका काम कैसा कर रखा है इसने आज। वाओ कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, वाओ आज तो सारा काम कर रखा है इसने, मैं कॉल कर देता हूँ उसको। हेलो नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, तुम आपने बहुत अच्छा काम कर रखा है, आज कंपनी को प्रॉफिट हुआ है बहुत ज्यादा। व्हाट सच्ची सर? ये सब आपकी कारण हुआ है तो मैं आपकी प्रमोशन बढ़ाता हूँ। और आपने ये सब कैसे किया है एकदम से, आप इतनी जल्दी आने भी लग गए जॉब में टाइम से, रियली थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड, आज से आपकी प्रमोशन होती है और आपकी सैलरी बढ़ाई जाती है। ओके बेटा
थैंक यू सो मच। ओए मेरा काम पसंद आ गया, मेरी सैलरी प्रमोशन हो गई। अब मैं दारू नहीं पीऊँगा यार, इसके कारण मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई थी। अब मैं नहीं पीऊँगा दारू, हाथ नहीं लगाऊँगा इसको मैं यार, इसके कारण ही आज तक मैं ज़िंदगी में हार मानता रहा। ये बड़ी अच्छी बात कही यार, इसके कारण ही मैं यार कुछ भी काम नहीं कर पा रहा था यार। मेरे दोस्त ने सही बोला था यार, दारू ही ज़िंदगी ख़त्म करती है। मैं यार उसको कॉल करता हूँ, उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यार। आज से मैं दारू नहीं पीऊँगा यार, दारू नहीं पीऊँगा। सो गाइस ये था आज का कंटेंट। यदि आपको कंटेंट आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यार दोस्तों आप एक बात खुश सोचो, दारू पीने से कभी इंसान को सुख प्राप्त हुआ है? दारू पीने से कभी इंसान खुश हुआ है? यार वो 2-3 घंटे का खुशी नहीं होती, वो और टेंशन हो जाती है। आपको लगता है ना दारू पीने से सब कुछ अच्छा लगता है, भाई तुम अपना स्वाद देख रहे हो, तुम आगे का नहीं सोच रहे हो। यार मैं तो आपको बस एक बोलना चाहूँगा, छोड़ दो दारू, ठीक है? कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। यार एक बात आप खुद सोचे देखो, कल को आपके बच्चे बड़े होएंगे, कल को आपके बच्चों को ही बोल लेगा, और तेरा बाप तो दारू पीता था, तेरा भाई दारू पीता था, ये वो कुछ भी लगा लो, तो आपको कैसा फील होएगा बताओ? अच्छा लगेगा आपको? नहीं लगेगा यार, मुझे पता है। सो यार जब आप दारू छोड़ दोगे ना, तो जब देखना अपनी लाइफ को, और जब दारू पीते हो तब अपनी लाइफ को देखना। मैं तो बस आपसे एक बात ही कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, दारू छोड़ दो, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। यार दारू के बाहर भी ज़िंदगी है, वो जी लो ना, जो ज़रूरी है जब दारू पीना। दारू पीने से इंसान कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता, और बल्कि वो अपनी परिवार को ही टेंशन देता है। तुम अपना स्वाद देख लो ना मुँह का, हाँ भाई दारू है अच्छा लग रहा है, पीते रहो। यार कल तुम आज का सोच रहे हो, तुम आगे का नहीं सोच रहे हो, कल को जो प्रॉब्लम होती है ना वो फेस करनी पड़ती है परिवार को। सो गाइस मैं तो आपको बस यही बोलना चाहूँगा, छोड़ दो दारू, बाकी आपकी मर्जी है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एमएम व्लॉग, हर दिन कुछ नया।